खबर सीधी से है, जहां सीधी में लगातार चोरन के आतंक देखने को मिल रहा है। हालात यह कि चोर के आतंक तो है ही है, किंतु पुलिस के जो नजरिया है ऊपर सवाल या निशान उठ रहा है। हालात यह कि एक व्यक्ति एक शख्स के घर 5 लाख रुपया के चोरी भय, मतलब 5 लाख रुपया के आभूषण के चोरी भय, किंतु अपने रिपोर्ट का लिखावे खीतिर चौराहट थाना में दर-दर भटके का पराव 3 से 4 बे गए के बाद वो रिपोर्ट लिखी गए। उस साथ में सबसे बड़ी बात यह पूरे मामला में यह है कि देर रात जो है चोरन के द्वारा सेंध लगाए के उन्हीं के घरे के पुतौ के पेटी लेके भाग गए, जो उन्हें 5 लाख रुपये के कीमती आभूषण है। विन क्षेत्र के या पहिर बघेली न्यूज चैनल हम करी तिवारी अपना पंचर का समय जन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जो मैं प्रोजेक्ट बता दी कि सीधी के चौराहट थाना अंतर्गत या बड़खरा के पूरा मामला है, जहां एक पीड़ित फरियादी जो है दीनदयाल साहू पिता जमुना प्रसाद साहू उम्र 49 वर्ष के द्वारा जो है उन निवासी ही बड़खरा 730 के उनके द्वारा जो है यह बात कही गए और यह बात चीख चीख के कही गए, रोए रोए के कही गए कि चौराहट थाना उनकर सुनवाई नहीं कह रहा है। सुनवाई भर के बात नहीं, सबसे बड़ी सोची पुलिस की लापरवाही इतनी कि पुलिस के एहन से तैनाती और एहन से जगह जगह थाना और चौकी बनाए जाते कि फरियादी के फरियाद तत्काल सुनी जाए और उनकर जो है सुनवाई कह के उनका शीघ्र तुरंत लाभ दिलावा जाए। किंतु सवाल यह उठत है कि एक घर में 11 जुलाई का सेंध हो थी, मतलब चोरन के द्वारा घर में दीवार तोड़ के जो है पेटी बहू के पेटी उठाए के लेके भागे के मामला सामने आ बात है। यह पूरी घटना जो है ओके बाद जो है चौराहट थाना में जानकारी दी गए, किंतु चौराहट थाना के अधिकारी के पुलिस अधिकारी के उंगाई नहीं खुली और वो नहीं पहुंचे। 4 बे प्रयास के बाद जो है यह FIR दर्ज है। अब जो है पीड़ित पक्ष यह कह रहा है कि एक SI है जिनका नाम देवराज सिंह है, वो जो है पीड़ित पक्ष का न्याय नहीं दिलवा पाए रहे यहीं और लगातार उनके द्वारा यह पूछा जाता है कि उनके केस में का भा, तो देवराज सिंह के द्वारा यह झूठा आश्वासन दिन जाता है कि प्रयास जारी है। सवाल यह सबसे बड़ा है कि आखिर पुलिस कह का रही है, पुलिस सीधी के ऊपर लगातार निरंकुशता के जो है सवाल यह निशान लागत है, क्या है नहीं पुलिस ऐसा चोरी डकैती जैसा गंभीर वारदातन मा सक्रियता से काम करे और लोगन का राहत दिलावे के प्रयास करे, किंतु अपने सोची जे के घरे के 5 लाख के गहना गाठी चला गा वह आखिर अब करे का। हालात यह कि अब वह पीड़ित व्यक्ति सीधी पुलिस अधीक्षक और एडिशनल SP के लगे दर दर भटके का मजबूर है और आवेदन लेके जो है बागी रहा है कि शायद के हुके नजर पड़ जाए और पीड़ित का कुछ राहत मिल जाए। तो सुनिए पूरा बयान आपन और अपने परिवार के, रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। थाना पुणे गए तो उनको देवराज सिंह को कप्तान सिंह को भेजे, स्थल देखा वो यहाँ देखे तमाम पाँव के निशान थे, कुछ नहीं देखे वहाँ भी पाँव के निशान थे, सब पेटी ओटी फूटवा के लाए कि अब चलो रिपोर्ट लिखा दो। तो तीसरी बार जाने पर हमारी रिपोर्ट लिखी, तीसरी बार जाने पर रिपोर्ट लिखी गई आपकी, मैंने 3 बजे के बाद फिर हो गया, उसके बाद आज तक कुछ किए नहीं। विवेचना कौन कर रहा है? विवेचना उन्हीं को तो कहते हैं देवराज सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, इस कभी कभी फोन लगाता हूँ कहते हैं मैं प्रयासरत में हूँ पर वो कुछ ना करें। इसकी जानकारी आपने उच्च अधिकारी एडिशनल SP को दी? एडिशनल SP को मैंने दिया है आवेदन। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? बोले उसमें हो गया टीप लगा के, बोले आप जाओ मैं थाना प्रभारी से बात करता हूँ। अब क्या किए हमारे आगे तो किए नहीं। जी जी जी। उसके बाद आवेदन में वो टीप लगा के रिसीविंग, हाँ, वैधानिक कार्यवाही करे वहाँ दे दिए हैं डिस्पैच में, आई यहाँ की नहीं आई क्या जाने। ठीक, धन्यवाद।